In the name of Almighty God, the Gracious, the Merciful, respected participants, I welcome you in PhD MPhil Linguistics and Literature group and in our WhatsApp group History, English Literature and Communication Skill. I welcome you all listeners, they are listening us on YouTube, our YouTube channel, the ESL Academy by Sir Rona, and they are listening us on our WhatsApp group, History, English, Literature and Communication Skill. I welcome to all. आज हमारा टॉपिक है प्राइड एंड प्रेजुडाइस. प्राइड एंड प्रेजुडाइस हम बात करेंगे जेन ऑस्टन नॉवलिस्ट के बारे में. शी इज फीमेल राइटर, बिलोंग टू इंग्लैंड. शी वाज बोर्न इन 1775 एंड शी डिपिक्टेड हर सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर, ट्रेडिशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल एंड शी आल्सो रिफ्लेक्टेड सोसाइटी थ्रू हर कैरेक्टर्स. इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस से वो बात करती हैं कि लोग कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, लोग कैसे सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं. अपर और लोअर क्लास के बारे में बात करती हैं, मिडिल क्लास के बारे में बात करती हैं. हम इनके नावल में ये सब कुछ देखेंगे. ये नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइस, इट वॉज पब्लिश इन 1813. ये स्टोरी है मिस्टर एक बेनेट फैमिली की, और मिस्टर और मिसेस बेनेट फैमिली में उनकी फाइव डॉटर हैं, जेन, एलिजाबेथ, कैथरीन, लीडिया और मैरी. जेन और एलिजाबेथ दोनों ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं और लॉजिकल लड़कियां हैं. और जब हम कैथरीन, लीडिया और मैरी, ये थोड़ी सी फ्रिवलस हैं, सिल्ली हैं, नॉन सीरियस हैं और दे आर नॉट वेरी सीरियस गर्ल्स. We'll be talking about family of Elizabeth, what called Bennet family. और इसके अलावा मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी हैं, ये नेबर. इन्होंने अपार्टमेंट लिया है या स्टे किया है उनके घर के साथ. मिसेज बेनेट, जो मिसेज बेनेट हैं, मिसेज बेनेट बड़ी मुतासर हैं बिंगले से और चाहती हैं कि बिंगले को इन्वाइट किया जाए घर के अंदर. मिस्टर बिंगले जो हैं वो इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है और काफी इंटेलिजेंट और काफी रिच पर्सन है. तो उसके साथ उनका जो एरिस्टोक्रेटिक अपर क्लास से ताल्लुक रखने वाला दोस्त है डार्सी, अभी ये उनको घर में इनवाइट करते हैं. और मिसेस बेनेट की ये राय है कि इनकी एक बेटी का रिश्ता जो है, उनसे शादी जो है वो बिंगले से कर दी जाए. अब बिंगले जो है उनको इनवाइट करते हैं, वो वहां पे जाते हैं एक पार्टी के अंदर और वहां पे वो अपनी अट्रैक्शन शो करते हैं जेन की तरफ कि शी ही वाज इंटरेस्टेड इन जेन. बट जो डार्सी हैं उनको भी ऑफर किया जाता है कि वो भी उनके साथ डांस करेगी उनकी किसी एक बेटी के साथ. तो वो आगे से डार्सी कहते हैं शी ही वाज वेरी एरोगेंट एंड प्राइड पर्सन, हैविंग अ प्राइड. तो वो आगे से कहते हैं शी इज नॉट हैंडसम एनफ टू अट्रैक्ट मी. सो कि वो उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, चाहे वो जितनी भी हैंडसम है लेकिन वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही. दूसरे लफ्जों में वो अपने दोस्त को भी ये कहते हैं कि इनसे दूर रहे, ये मिडिल क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो मोस्टली उनकी फीमेल्स जो हैं वो अच्छी नहीं होती. ये वो रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्त को भी. तो इस तरह से वो अपने दोस्त को भी मना करते हैं कि वो उनके साथ ज्यादा रिलेशनशिप में ना रहें. इस तरह वो मिडिल से अपने घर वापस चले जाते हैं. उसके बाद जो बिंगले की सिस्टर हैं वो इनवाइट करती हैं जेन को कि उनके साथ आए और उनके साथ खाना खाएं. तो जेन जो है वो घोड़े पे सवार होके उनके घर जाती हैं बिंगले के, वहां पे वो बीमार हो जाती हैं बारिश की वजह से. कैथरीन उनके पीछे, एलिजाबेथ उनके पीछे जाती हैं. जब उनके पीछे जाती हैं तो वहां डार्सी से मुलाकात होती है. डार्सी के साथ काफी उनकी इंट्रैक्शन होती है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और डार्सी उनको लाइक करने लग जाती हैं. लेकिन डार्सी का एरोगेंट उसे प्रपोज करने फिर भी प्रपोज नहीं करने देता. उसके बाद एलिजाबेथ की मुलाकात विकम से होती है. विकम जो है वो टोटली खिलाफ है डार्सी के और वो उसे अपने इन्फ्लुएंस में ले आता है और एलिजाबेथ को मिसगाइड करता है कि डार्सी अच्छा इंसान नहीं है. अब इस पे होता यूं है कि जो डार्सी है वो ये एक्सपेक्टेड किए हुए है कि वो कब जब भी मिलेगा एलिजाबेथ से तो वो उसे अपने दिल की बात बताएगा और उसके साथ अपने रिलेशन को एक्सटेंड करेगा. अब डार्सी और एलिजाबेथ की दोबारा से मुलाकात होती है. वहां डार्सी उनको मिडसे प्रपोज करते हैं लेकिन एलिजाबेथ उसको बिटरली रिजेक्ट करती है कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू मैरी विद हिम. अब उस पर डार्सी जो है वो उनसे इंटेलिजेंट भी है, वो पिकअप कर लेता है सिचुएशन को और वो एक लेटर लिखता है, उसमें विकम के बारे में सब कुछ बताता है कि इसकी रियलिटी क्या है, ये कैसा इंसान है. अब वहां से थोड़ा बहुत एलिजाबेथ को रियलाइज होता है और पोन
अब वो वहां भी होती हैं तो शी गॉट अ न्यूज शी गॉट अ ट्रेजिक न्यूज दैट हर सिस्टर शी गॉट अलॉटमेंट विद रिकम। अब वहां पे एलिजाबेथ डार्सी जो है वो एलिजाबेथ की हेल्प करते हैं, विकम को फाइंड करते हैं, उसे पैसे देते हैं, उसे एक अमाउंट देते हैं और उन दोनों को फाइंड करके उनसे फोर्स करते हैं कि वो उसे शादी करे लिडिया से। इस तरह वो उनकी हेल्प करते हैं। इससे एलिजाबेथ शी वाज वेरी इंप्रेस्ड फ्रॉम डार्सी साइकोलॉजी एंड वे ऑफ थिंकिंग, ही वाज क्वाइट पॉजिटिव। So then she came back and she talked to her father that Darcy was very nice person but she misjudged him, she misunderstood her, she couldn't understand him because he was a nice guy, nice person and he did this and that for us. So she told all story that Darcy helped us through this and that way. So this way Darcy proposed Elizabeth that he is going to marry with him, and she accepted and after that his friend Mr. Bingley also proposed her sister Jane and she accepted. This way happy ended. This novel was ended well. This way story comes to an end, and as well as Wickham and Lydia is concerned, Colin and Charlotte, Lucas is concerned, they live their own way. Mr. Darcy and Elizabeth, one pair, and then we have another pair, Bingley and Jane. Then we have Lydia and you could say Wickham, Colin and Charlotte, Lucas. So this way there are many pairs in a group. I hope you understood our lecture, and don't forget to like and subscribe our channel. And our channel name is The ESL Academy by Sir Rana, and we are uploading new lecture related to linguistic and literature. And if you want to find our channel, just type on YouTube bar The ESL Academy by Sir Rana on your YouTube bar. You just write, and after that right in front of you there will be a black you could say a sketch, a cartoon, like you will find our you could say monograph The ESL Academy. You can like and subscribe our channel. Stay blessed and have a nice time.